रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी, वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी हम बनाएंगे, आज मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं, इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे हैं वो उनके साथ कमेटी में होंगे, तृप्ति मुरगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगे, पूर्व सीईओ टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे, राधा श्रीमन पूर्व ईडी टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये पांच लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले एक महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी और अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी, और तब तक जो डे टू डे कार्य है जो निर्णय करने होंगे तब तक भी ये कमेटी को लेगी।